एसके शर्मा बनाए गए प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की नेकी घोषणा। अर्चना मिश्रा अमित वाल्मीकि प्रदेश मंत्री बने। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बीएसपी से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं अंबिका चौधरी। चुनाव से पहले दल बदलने का खेल शुरू। कानपुर से मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को मिली धमकी। पाकिस्तान से राजू श्रीवास्तव को धमकी। कई बार फर्जी नंबरों के जरिए आया कॉल। मुस्लिम बुजुर्ग पिटाई केस में उमेद पहलवान की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के पास से हुआ गिरफ्तार। यूपी में 24 घंटे में सिर्फ 294 नए कोरोना संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या में 5000 से कम। उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर हाजिर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेता और पूर्व IAS AK शर्मा को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। शर्मा कुछ महीनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। पिछले दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी। वहीं जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार AK शर्मा को CM बनाया जा सकता है। ये भी चर्चा थी कि उन्हें डिप्टी CM बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इन चर्चाओं को अब और बल मिला था। इस बात की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की। AK शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के साथ ही अर्चना मिश्रा अमित वाल्मीकि को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं इस खबर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत का भी बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री कार्यालय जैसा शक्तिशाली कार्यालय छोड़कर क्या अरविंद शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष बनने लखनऊ आए थे? क्या प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा है? ये नियुक्ति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसको दिखा रहा है। योगी जी और मोदी जी के बीच में जो संघर्ष है उसकी परिणति है ये। कहीं ना कहीं योगी जी मोदी जी और उनकी कैबिनेट से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप लोग सत्ता संघर्ष करें लेकिन जनता के हितों के लिए करें, ना कि नियुक्तियों के लिए। 6 महीने चुनाव में हैं, जनता आपको जवाब दे देगी। तो जिस तरह से AK शर्मा की नियुक्ति प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हुई उसके बाद लगातार विपक्ष का आरोप का दौर भी जारी हो गया है। तो विपक्ष की तरफ से भी काउंटर तुरंत दिया जाने लगा है। बता दें कि अभी आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री के कार्यालय को छोड़कर AK शर्मा संगठन में शामिल होने आए थे क्या? तो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा दिया है और साथ ही साथ CM योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में ठीक नहीं है चीजें, उसको लेकर भी उन्होंने एक बार फिर योगी सरकार को घेरा है। तो AK शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष, अर्चना मिश्रा अमित वाल्मीकि प्रदेश मंत्री बनी है। तो संगठन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि जिस तरह से लगातार ये बातें सामने आती रही हैं कि बीजेपी में संगठन बड़ा ज्यादा भूमिका बड़ी अदा करता है, सरकार से ज्यादा संगठन अहम भूमिका अदा करता है, तो उसको लेकर AK शर्मा की बीजेपी में संगठन में एंट्री हो गई है। बेहद करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरविंद कुमार शर्मा को बीजेपी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे ब्यूरो चीफ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे आना चाहूंगी, AK शर्मा को संगठन में शामिल कर लिया गया है और इसी को लेकर अब विपक्ष जो है वो बीजेपी सरकार को घेरने भी लग गया है। मनीष, आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, क्योंकि आपको बता दूं, निश्चित तौर से एक मौका जरूर मिला है विपक्षियों को घेरने के लिए। जिस तरह से AK शर्मा का नाम जो चल रहा था, 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं, CMO गुजरात में रहे थे, उसके बाद PMO में साथ में रहे थे, और उसके बाद आज आपको बता दूं कि
जो आपको मेरी आवाज आ रही थी जी? आ रही है मनीष। किसी को बता दूं कि जिस तरीके से एके शर्मा का जो बड़ा कद था, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, सीएमओ गुजरात में थे मोदी के साथ, उसके बाद सीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएमओ में काफी समय गुजरा था, एक एंट्री उनकी बनाई जाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनको सेवनित होकर वो सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आते हैं, विधान परिषद भेजे जाते हैं, कयास अटकलों का दौर लगातार ग्रहण था कि बहुत अहम पद, बहुत बड़ा कोई पद मिल सकता है, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम के नाम पे कई बार चर्चा चली थी, हमने देखा था कि अभी बीच में भी जब पिछले 20-22 दिन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से पूरा उठा पटका उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उनका यहाँ पे दौरा था, राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं वो यहाँ पे आते हैं, अमित शाह नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, इस सब चीजों को लेते हुए कयास लगाया जा रहा है कि जो उठा पटक है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो संगठन और सरकार को लेकर चल रहा है, वो सिर्फ इसी बात को लेकर था कि एके शर्मा जैसा जो महत्वपूर्ण नाम है उसको कैसे सेटल किया जाए। तो इसका एक रोड मैप कह लें या फिर जो ब्लू प्रिंट तैयार किया गया वो बहुत पहले से तैयार किया गया था, उसको आमली जारा आज बनाया गया है। आपको बता दूं कल संगठन प्रदेश के संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह, वो बिल्कुल मनीष बिल्कुल ये आपकी जो बातें हैं बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब एके शर्मा को संगठन में शामिल कर किया गया, हालांकि ये बिल्कुल माना जा रहा है कि जो भाजपा सरकार में संगठन बहुत अहम रोल प्ले करता है, तो सरकार से ऊपर संगठन को रखा जाता है तो उन्हें बहुत अहम पद दिया गया है, लेकिन विपक्ष का जो सवाल उजागर हो रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़कर उन्हें क्या संगठन में शामिल करने के लिए लाए थे, तो इसको भी काउंटर सरकार को करना पड़ेगा, इसको भी लेकर जवाबदेही स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर खेती देखिए, जब कोई ऐसे अहम ज्वाइनिंग होती है या फिर उसको राजनीति में लाया जाता है, सर करावर आईएएस अधिकारी जो पीएमओ में था, प्रधानमंत्री मोदी का राइट हैंड माना जाता था, जब वो यहाँ पे आता है और उसकी एंट्री होती है, कयास लगाए जाते हैं, उसको फिर प्रदेश उपाध्यक्ष की एक जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि जो अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसमें बताया गया कि क्योंकि चुनावी समय है, चुनावी माहौल आ गया है, तो इसमें संगठन में बहुत ज्यादा मजबूती देखी जा सकती है। हालांकि सरकार के पास काम करने के लिए 4 से 5 महीने का ही वक्त दिया गया है, तो ऐसे में फेरबदल की जो कयास है अटकल लगाई जाती है, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। संगठन को बहुत मजबूत करना है और संगठन की मजबूती को देखते हुए एके शर्मा की एंट्री की गई है, पर विपक्ष के पास अब सरकार को, संगठन को, बीजेपी को घेरने के लिए एक मौका जो मिल गया है कि किस तरीके से एके शर्मा जैसे बड़े नाम को खपाने में जो जद्दोजहद थी संगठन और सरकार को लेकर हो रही थी, उसको लेके अब क्या रूपरेखा रहेंगी, कैसे काउंटर करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सियासी मकसद को साधने की कोशिश लगातार ये बातें उजागर हो रही थी कि एके शर्मा को दिल्ली से लाना यानी कि बड़े सियासी मकसद को साधना है, तो क्या संगठन में रह के वो सियासी मकसद साधा जाएगा इसलिए रखा गया है, या जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो सच्चाई है? देखिए किसी आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं सरकार और संगठन की, तो कहीं ना कहीं ये बात आपको साफ दिख जाती है बयानों के ना, हम अपनी बात नहीं करते हैं, बयान आप देखेंगे चाहे वो किशोर प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह का हो, चाहे राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता जो हैं उनके बयान देखेंगे, कभी आता है कि हम चुनाव जब जाएंगे लड़ेंगे तो चुनाव में योगी का चेहरा ही रहेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, पर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी, पूर्व बहुमत की सरकार बनी थी, वो बड़े नेता जब बयान देते हैं कि अगर इलेक्शन में जाएगी 2022 में जाएंगे तो कौन चेहरा होगा, उसका निर्णय आला कमान लेगा, मतलब दिल्ली में बैठे हुक्मरान लेंगे, उसमें जब वहां से कोई आपके पास भेजा जाता है, संगठन अधिकारी भेजा जाता है जिसको एंट्री दी जाती है, वो अपना समन्वय नहीं बैठा पाता है, उसकी आप संगठन में रह के सरकार में नहीं ला जा सकता, तो संगठन में दिया जाता है, इसका मतलब कि ऊपर खाने में अभी भी कुछ चल रहा है, और जो बातें निकल के आई थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार संगठन में कुछ खींचतानी है, उसकी एक पहली कड़ी हमको देखने में मिली है कि एके शर्मा जिनपे सबकी निगाह बिल्कुल मनीष, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है मंत्रिमंडल विस्तार का, और जिसको लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। निश्चित तौर पर पहले प्रयास किया जा रहा था कि एके शर्मा को लेकर अगर आपके पास मंत्रिमंडल विस्तार का ऑप्शन भी है, आपके पास 7 मंत्रिमंडल में आपके 7 पद खाली भी हैं, आप उसको क्यों नहीं भर रहे?
आपके पास क्या मंत्री की कमी थी, आपके पास चयन कमी थी, एक नाम को लेके हमेशा आप देखेंगे जो सुर्खी में भी रहता है, बिल्कुल यही सवाल है, बिल्कुल मनीष किस्ता की बात होती थी, उसको लेके उनका पटक थी वो आज तक सामने थी और आज करियर में जब ये घोषणा कर दी गई है हो सकता है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार भी आपको देखने मिले और जो कई लोग चेहरे को चाहे अमरकार कई ऐसे आपको नाम देखने मिलेंगे जो नाम थे बीजेपी में एक चीज कहता है जिसके नाम की चर्चा होती है उसका जिस नाम की चर्चा होती है उसको कभी भी कोई अहमत नहीं दिया जाता उसका एक आज में भी चिंता करता हूँ बन गए ए के शर्मा काफी नया नाम चला था कि जबकि सीएम बनेंगे चार नंबर बंगला मिलेगा फाइव के डी के बगल में फोर के डी में उनका निवास होगा बिल्कुल वो तो नाम लग गया है हाल फिलहाल में नाम लग गया है और अब प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में देखने को मिलेगा क्या संगठन में उनको या लगभग रहेगा पता नहीं है अब उसके परिणाम बिल्कुल मनीष सपना तो टूट ही गया है क्योंकि मंत्री बनने का सपना शायद तक लेकर आए थे बड़े पद का सपना लेकर आए थे एके शर्मा की कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री कार्यालय को छोड़ूंगा तो यूपी में बड़ा पद मिलेगा लेकिन सारे सपने टूट गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एके शर्मा को संगठन में जगह मिली है अब वो संगठन को मजबूत कर 2022 के चुनाव की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है तो देखना अहम होगा कि स्वतंत्र देव सिंह के साथ मिलकर एके शर्मा 2022 में संगठन और सरकार के बीच जो भी अंतर विरोध चल रहा है उसको समाप्त कैसे करते हैं और जीत के आगे अग्रसर कैसे होते हैं। वहीं बढ़ते हैं आगे राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में चक गंजरिया स्थित नवनिर्मित पराग की आधुनिक डेयरी प्लांट का निरीक्षण करने दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी पहुंचे। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बोला कि पराग में कर्मचारियों की छटनी बहुत हुई है, जितने लोगों को काम से हटाया गया है होगा आज की तारीख में उतने कर्मचारी भी पराग में नहीं है। हम अपने सारे प्रयास कर रहे हैं कि पराग को शिखर पर पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं डॉक्टर मोहन स्वरूप महाप्रबंधक दुग्ध संघ लखनऊ द्वारा बताया गया कि ये प्लांट एशिया का सबसे आधुनिक प्लांट होगा और इससे पराग के उत्पादन को नई दिशा मिलेगी। हमारे यहाँ 10 ग्रीन फील्ड डेयरी का निर्माण हो रहा है जिनमें ये लखनऊ का ग्रीन फील्ड डेयरी का जो प्लांट है हमारा इसकी ट्रायल कई दिन से चल रही है। इसकी क्षमता 3 लाख लीटर पर डे की है, लागत भी इसमें लगभग लगभग 115 करोड़ रुपये करीब आई है। इसका निर्माण भारतवर्ष की प्रमुख एजेंसी IBMC के द्वारा। बुलंदशहर जिले के खुर्जा थाना इलाके की रहने वाली एक दलित युवती ने युवक पर रेप का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि पिछले 2 साल से युवक शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था लेकिन अब शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए SSP से न्याय की गुहार लगाई है जिसके बाद SSP ने मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए प्रकरण संज्ञान में आया है, एक युवती जो बालिग है अनुसूचित जाति की है उसका अपनी ही जात के एक युवक से 2 वर्षों से प्रेम संबंध था, दोनों के बीच में निजी संबंध भी थे और अब लड़का शादी करने से मना कर रहा है। महिला के द्वारा एक एप्लीकेशन थाने पे दी गई है, दोनों के परिवारजनों को थाने पे बुलाया गया है, बातचीत से समाधान का प्रयास किया जा रहा है। यदि समाधान नहीं होता है तो लड़की की तहरीर। रायबरेली में पुलिस ने व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक खुद को मुख्तार अंसारी के गिरोह का बताकर व्यापारी से 2 लाख की रंगदारी मांग रहा था। आरोपी ने रकम न मिलने पर व्यापारी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी जिसके बाद व्यापारी ने सदर कोतवाली में शिकायत की थी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए SOG और सर्विलांस की मदद से आरोपी रत्नेश सोनकर को गल्ला मंडी के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं, साथ ही मामले में इस्तेमाल मोबाइल व सिम कार्ड बरामद किया है। SP श्लोक कुमार ने बताया कि आरोपी रत्नेश बैरहाना मोहल्ले का रहने वाला है और पहले व्यापारी के यहां काम करता था। आरोपी ने YouTube पर देखकर रंगदारी मांगने का प्लान बनाया था। शिकायत मिलने के बाद SOG की टीम के साथ ही सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, कुछ लोगों का आशियाना तक छिन गया है और शौचालय में रहने को मजबूर है।
ओबरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में मिट्टी का घर बनाकर रह रहे परिवार का मकान ढह गया, जिसके बाद मजबूरी में रहने के लिए सार्वजनिक शौचालय का सहारा लेना पड़ रहा है। महिला अपने 8 बच्चों के साथ शौचालय में रहने को मजबूर है। वहीं एनजीओ के लोगों ने परिवार के पास पहुंचे तो महिला फूट फूट कर रोने लगी। महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था, लेकिन अभी तक पूरा पैसा ना मिलने की वजह से आवास नहीं बन सका। महिला का आरोप है कि नगर पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनको पैसा नहीं मिल रहा है। सोनभद्र जिले के रिहंद नगर में स्थित डीएवी कॉलेज की छात्राओं ने एक बार फिर से मिसाल पेश की है। डीएवी में पढ़ने वाली मान्या गंगवार और कुमारी स्नेहा को सीबीएसई ने उत्कृष्टता प्रमाण पत्र से नवाजा है। सीबीएसई 1% छात्रों को ही उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जारी करता है। आपको बता दें कि हाल ही में डीएवी कॉलेज की छात्रा रही प्रियंका शर्मा ने बिहार पीसीएस पूर्व छात्रा डॉक्टर आरती सिंह पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात है, जबकि ईसा गर्ग भारतीय सूचना सेवा में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत है। इन सभी ने डीएवी कॉलेज का मान बढ़ाया है। डीएवी रिहंद के प्रधानाचार्य राजकुमार जी ने बताया कि हमारे संस्था से काफी बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अच्छे पदों पर बैठ कर देश की सेवा कर रहे हैं। तो बारिश की वजह से जिस खबर पर हमने प्रकाश डाला था कि अस्त व्यस्त लोगों का जीवन हो गया है, उस पर हमारे साथ ओबरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में मिट्टी का घर बनाकर रह रहे परिवार का मकान ढह गया, जिसके बाद मजबूरी में रहने वाले सार्वजनिक शौचालय का सहारा लेना पड़ रहा है। गोरखपुर की नवीन गल्ला मंडी महेवा का उत्तर प्रदेश मंडी समिति के डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फल सब्जी मछली और गल्ला मंडी के साथ ही पूरे मंडी का निरीक्षण किया। अंजनी कुमार सिंह ने व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह ने कहा, मंडी में जो भी ग्राहक या दूर दराज से व्यापारी आए हैं, उन्हें महसूस हो कि वो किसी साफ सुथरी जगह पर आए हैं, यहाँ गंदगी का नामो निशान ना हो। अभी निरीक्षण कर ही रहा हूँ और कमियाँ कोई ख़ास नहीं निकली हैं। मेरे निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि गोरखपुर मंडी समिति में इनका जो परिसर है, दो तीन बिंदु प्रकाश में आए थे। एक तो यह था कि यहाँ पर स्थान कम पड़ रहा है और कहीं और वैकल्पिक व्यवस्था की। शाहजहाँपुर पुलिस ने 10 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े शान मोहम्मद उर्फ बड़े के पास से पुलिस ने एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी शान मोहम्मद पर अलग अलग जिलों में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। शान मोहम्मद पिछले 6 महीने से गौकशी और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी शान मोहम्मद को मिर्जापुर थाने क्षेत्र के ग्राम पनिया नगला के जंगल से गिरफ्तार किया है। सीतापुर जिले के रामकोट थाना इलाके के शाहपुर गांव में 18 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक अतेंद्र के परिजनों का कहना है कि वो बीते गुरुवार को क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद शनिवार की सुबह कुछ लोगों ने गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में उसका शव देखा। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
कानपुर देहात में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कई अलग अलग धाराओं में सट्टी थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसकी काफी समय से तलाश की जा रही थी। शनिवार को सट्टी थाने की पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी, तभी रूर गांव में स्थित शराब के ठेके पर पूछताछ के दौरान आरोपी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा वीरेंद्र औरैया जिले के अजीतमल थाना इलाके का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।